जॉइन दोस्तों, वेलकम टू दी माई यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अरूप महतो और हमारा चैनल है ARTS अरूप। आज हम आप लोग को सिखाने वाला हूँ ए ऑक्सफोर्ड का 3D पेंटिंग कैसे किया जाता है। बहुत ही आसानी से स्टेप बाय स्टेप हम सिखाएंगे। पहले हम एक मार्कर ब्लैक मार्कर की मदद से ए ऑक्सफोर्ड का आउटलाइन ड्रॉ कर रहा है। आप भी कुछ ऐसी इस तरीके से आउटलाइन ड्रॉ कर लेना। अगर आपका भी मनपसंद सेंटेंस ये हो तो जरूर देखिएगा इस वीडियो को और अपने नोट्स बुक में और खाते और खाता पे ये अक्षर का ड्राइंग 3D ड्राइंग जरूर करना। तुम्हारा दोस्त जब इसको देखेगा चौंका जाएगा और आपका बहुत तारीफ करने लगेगा। बार बार पूछते रहेगा, बोलेगा तू ये कहाँ से सीखा, मेरे को भी सिखा दे, फिर तुम हमारे बारे में बताना और हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक उसको दे देना, वो भी सीख जाएगा। ये इस तरीके के कोई भी अक्षर का ड्राइंग करके किसी को भी इम्प्रेस करना बहुत ही आसान है। हर एक सेंटेंस का इसी तरीके की 3D ड्राइंग हमारा यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है। हमारा आउटलाइन कंप्लीट होने के बाद आउटलाइन के अंदर जहाँ जहाँ हमने ब्लैक कलर से डार्क कर दिया है, आप लोग भी वहाँ पे ब्लैक कलर से डार्क कर दीजिएगा। उसके बाद डार्क पेंसिल की मदद से इस तरीके से फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर एंड थर्ड लेयर एक साथ दे दीजिएगा। हम एक साथ ही 3 लेयर का यूज कर रहे हैं। हम जहाँ जहाँ दे रहे हैं थर्ड लेयर, वहाँ पे तुम लोग भी दे देना। हमारा तस्वीर में 3D लुक आ गया है। राइट साइड में तस्वीर का जो शेडो गिर रहा है वहाँ पे भी आप सेकंड लेयर की इस्तेमाल कर सकते हो। देन उसके बाद एक सफ़ेद कागज का टुकड़ा ले लेना और उसको फोल्ड करके उसके ऊपर घिस देना। देन उसके बाद हाईलाइट पेंसिल के इस्तेमाल करके इस तरीके के लाइटनेस बढ़ा देना वीडियो तस्वीर के अंदर में। इतना ध्यान रखिएगा आउटलाइन की बॉर्डर की बाहर नहीं आना चाहिए पेंसिल का कोई भी कलर। तस्वीर का मिडिल में लाइटनेस ज़्यादा होगा, इसलिए वहाँ पे हमेशा फर्स्ट लेयर का इस्तेमाल करना। शेडो पे भी लाइट पेंसिल का इस्तेमाल करना। फिर उसके बाद और एक सफ़ेद पेपर को फोल्ड करके घिस देना। उसके बाद फिर से डार्क पेंसिल को इस्तेमाल करके 3D लुक बढ़ा देना। पेंसिल का काम कंप्लीट होने वाला है। देन यहाँ पे एक शेडो दे देना है और मार्कर की मदद से हम जहाँ जहाँ थोड़ा डार्क कर रहे हैं वहाँ पे भी आप लोग डार्क कर दीजिएगा। उसके बाद पिंक कलर को लेके इस तरीके के शेडो के पास में फर्स्ट लेयर से 2-4 लाइन खींच देना है। उसके बाद ऑरेंज पेंसिल को इस्तेमाल करके 3D लुक और हाईलाइट कर देना। इस बार बारी आई कटिंग की। हम जहाँ जहाँ कटिंग कर रहे हैं आप भी वहाँ वहाँ कटिंग कर दीजिएगा। कटिंग करने के बाद कटे हुआ पेपर को हटा दीजिए और इधर देखिए बहुत ही अच्छा 3D लुक आ गया है तस्वीर में। घुमा फिरा के देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।